इवन मैं कहता हूँ जब ये रन भी करते हैं ना तो वाई वी लूज बिकॉज द वे दे स्कोर रन्स यू नो नंबर वन नंबर टू होना इज नॉट अ बिग डील. बिग डील इज कि आपकी टीम जीती कितनी दफा उन रन से वो आप नंबर्स निकालेंगे तो यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड. ये चीजें स्टार्ट होती है टॉप से. टॉप है आपका कप्तान. वही ना वही तो मैं कह रहा हूं. ये पता लग जाए कि कप्तान आपका थोड़ा सा मे बी द राइट वर्ड लेट मी पिक द राइट वर्ड थोड़ा सा अपने लिए इनसिक्योर है. इनसिक्योर कि यू नो बिल्कुल यू राइट कि कई दफा कप्तान जब कह दे कि मेरा स्कोर हो गया लेट्स ट्राई हैदर एज एन ओपनर मैं टीम पे आ जाऊंगा एक आधे मैच में उससे ये पता लगता है कप्तान इज रेडी टू सैक्रिफाइस. दिस बाबर हैज टू लर्न दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ कैप्टन एंड अ लीडर. दैट्स द डिफरेंस. यस आई हैव बीन थ्रू दिस बाय द वे विद बाबर. Okay. In Karachi Kings, we had a couple of bad seasons, and I asked, requested him once or twice nicely because he's the captain. They are ek bad match mein number 3 pe aaja, koshish kar le. Cocktail ko kara dete hain opener is an opener. Let's see, we're not performing. He said, main nahi jaunga. Then we had to send Sharjeel at 3, and he's a natural opener too. तो दोस्तों ये छोटा सा क्लिप आपने देखा. ये क्लिप काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और बाबर आजम फैन क्लब वसीम अकरम को काफी गालियां दे रहे हैं इस वजह से. हालांकि आपको बता दूं कराची किंग्स जो टीम है पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी है उसके कोच रहे या मेंटर रहे वसीम अकरम उसमें बाबर आजम कैप्टन है और नेक्स्ट सीजन में शायद वो खेलेंगे. अब ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वसीम अकरम चाहते थे कि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में है. बाबर आजम ने मना कर दिया. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं ये सब राज क्यों खुल रहे हैं. आपको पता है जिम्बाब्वे से पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे से मैच हारा है उसके बाद से ये सब बातें हो रही हैं. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है. मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लिए. पाकिस्तान ने आखिरी गेंद तक जंग लड़ी है इस मैच में और देखें बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके सामने ये कार्ड है. 130 रन किए थे जिम्बाब्वे ने. बड़ा स्कोर था चूंकि पिच बड़ी मुश्किल थी सुना है मैंने. और नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे बॉलरों ने बेहतरीन बॉलिंग की. रऊफ ने बड़ी ज़बरदस्त. हारिस रऊफ वाज रियली रियली गुड यस्टरडे. सो वाज वसीम जूनियर. सो वाज शादाब. पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स वेल. आर बैटरिंग शान मसूद डिड ट्राई टू यू नो ब्रिंग दिस होम फॉर अस बट अनफॉर्चुनेटली वाजंट सपोज्ड टू बी. बट सिकंदर राजा व्हाट अ प्लेयर ही इज टर्न आउट टू बी. जिम्बाब्वे वन दिस बाय वन रन. Wasim, your thoughts on this game? Look, I was watching that gate at home. I wasn't well, obviously. But jab Pakistan khelta hai, to sara Pakistan dekhta hai. And we all know as a sportsman, ex-sportsman, ki winning and losing is part of the game. But it was always on the cards. एक साल से डेढ़ साल से आपको पता है वर्ल्ड कप की ये डेट से वर्ल्ड कप शुरू होना है. हम यहाँ जाना है. वहाँ पे हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए. मगर मजा आला किसी ने कोई तैयारी की हो कप्तान समेत चीफ सेलेक्टर समेत कोई. आपने एक ऑलराउंडर टाइप रखा है लड़का आमिर जमाल. आमिर जमाल इज नेम इज इंग्लैंड के खिलाफ. उसके बाद उसको आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए. सो ये प्लानिंग ये सब को बिठा के बाद में बाबर समेत चीफ सेलेक्टर समेत अब ये कप्तान का काम है. उसको चाहिए ये उसकी विजन है कि मैंने वर्ल्ड कप कैसे जीतना है. मुझे वहाँ की पिचेस क्या है. आपने जैसे कहा कि पिच मुश्किल थी. अगर पिच मुश्किल है तो कदाफी स्टेडियम के साथ ले जाते हैं वहाँ पे. भाई पिच ऐसी अपनी लेके आवेंगे साढ़े को पिच तो नहीं खेला जा रहा. यू नो विनिंग एंड लूजिंग एल एसेट पार्ट ऑफ इट को प्लानिंग होती है. कोई सिस्टम होता है कि वहाँ पे आपको पांचवा ऑलराउंडर चाहिए. चौथा बॉलर एज अ फास्ट बॉलर फहीम अशरफ था. ये आमिर जमाल था. जो भी है उसको तैयार तो करो साल से. फिर आपने मिस्ट्री स्पिनर रखा जो फर्स्ट क्लास में इब्रार फर्स्ट क्लास में अमेजिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं. 7 मैचों में जब इंग्लैंड आई है ही वॉज विद द स्क्वाड. एक मैच नहीं खिलाया उसको. अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैच खेलने का इतना शौक क्यों है मेन प्लेयरों को. कई दफ़ा होता है कि यार आई विल रेस्ट आई विल हैव दिस यंग गाय कि मैं खिला लूँ ताकि मैं आगे वर्ल्ड कप में जाके देख सकूँ उसको. ये सारी चीज़ें कप्तान की जॉब है. कोचेज आर देयर टू हेल्प द कैप्टन एंड कैप्टन हैव टू लीड देम कि आई वॉन्ट दिस प्लेयर आई वॉन्ट दिस प्लेयर आई वॉन्ट दिस प्लेयर. एंड नाउ इट्स वही दोबारा दुआओं पे आगे इफ्स एंड बट्स. वो जीता वो हारा इधर गए उधर गए. सो इट्स काइंड ऑफ ऑल ओवर सो फार. आई होप आई एम रॉन्ग. आई वॉन्ट पाकिस्तान टू क्वालिफाई बट नाउ इट्स टफ. मैंने भी कल ये क्लोजिंग रिमार्क्स में कहा था कि आई मीन व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन इज दिस कि हम दुआओं पे और उम्मीदों पे कि वो उसको हराए वो उससे खेले वो उससे नाराज हो जाए वो घर चला जाए वो उसका एक्सीडेंट हो जाए. अब मैं अगर कोच हूँ आई एम नॉट हैविंग अ गो एट एनी कोच. इफ आई एम द कोच और कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम आई विल मेक श्योर आई डिमांड द बेस्ट फील्डिंग कोच इन द वर्ल्ड बिकॉज दैट्स वेयर अ वीकनेस इज.
आपके उसके लिए रॉकेट साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है आप लोगों का. आप पूरे पाकिस्तान को पता है कि वी आर लैकिंग विद फिटनेस में प्रॉब्लम हो रही है. बिस्पा वगैरह ने कहा कोई टेस्ट नहीं हो रहे, कोई फील्डिंग हमारी इंप्रूव नहीं हुई, कैचेस पे कैचेस ड्रॉप हुए जा रहे हैं, दुक्के पे दुक्के हुए जा रहे हैं. आपके यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ. हैदर अली को जहाँ खड़ा करो या कैच ड्रॉप कर दे, दुक्का कराता है. अब उसको कहाँ छुपाएं? 21 साल के बच्चे को आप छुपा भी नहीं सकते. That's true. So this is frustration जो मेरे में है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त. अच्छा, interestingly वकार के ये जितनी बातें आप लोग you know as cricket experts and you know legends that you've been sharing with us, these are things that you know जो hardcore cricket fans नहीं होते, they've been pointing this out for the last one year, 16 months on social media. छोटे-छोटे हमारे you know there are some very good young people that analyze the game or understand the game और वो अपनी videos में, vlogs में इधर उधर बार-बार ये कहते रहे. But yet it seems like there is really no You know, there is a gap somewhere. कड़वा सच है ये जो हम भुगतना है, भुगत रहे हैं. यू नो, वसीम भाई ने आई थिंक समराइज बड़ा ठीक किया. हम कल भी सारी शाम यही बातें करते रहे हैं कि देर आर इशूज़. यू नो, ये टीम वर्क है, टीम गेम है. इसमें यू नो एवरीबडी यू गॉट चिप इन, एवरीबडी इज गॉट हैव अ रोल. यू कांट जस्ट से कि जी अच्छा जी कप्तान का और कप्तान टेक ओवर एंड कप्तान मेक अ डिसीजन एंड देन you come back and you sack the coach or you sack someone else. You know, it doesn't work like this. They all have to sit down. Aur main bade arse se ye bolta aa raha hu aur kehta bhi aa raha hu ki cricket committee honi chahiye jo baith ke ye decisions kare. Usme jo aapke top cricketers jo hone chahiye, jo ex cricketers hone chahiye, wo baith ke decisions kare, not ke ji ek banda bat ke upar se wo aapko keh de ki ji ye karna hai aur wo karna hai, fir wo dictatorship aa jati hai. It's a team work. तो जब तक टीम वर्क नहीं आएगा यू नो तब तक इसी तरह चलता रहेगा और यही प्रॉब्लम्स रहेंगे. इसमें यू नो बहुत सारे इश्यूज हैं. आई मीन वसीम भाई ने बड़ी अच्छी इसको अच्छे तरीके से कहा और बड़े हौसले से कहा, बड़े क्योंकि एवरीवन इज हर्टिंग, वी ऑल इन पेन एंड वी गॉट टू बी स्मार्ट, वी गॉट टू बी सेंसिबल नाउ. आई मीन हाँ, गुस्से में आपको तकलीफ में आप कई दफ़ा ऊँचा बोल देते हैं, किसी का गलत मतलब नहीं होता है, लेकिन यह है कि क्योंकि वी ऑल वांटेड दिस टू यू नो वी वांटेड टू गो फॉरवर्ड, आई होप वी स्टिल गो फॉरवर्ड, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं वो बहुत पतले हो गए. मैं यही कह रहा था कि प्लानिंग की जैसे विकी ने बात की, सबको बैठना पड़ेगा. अब एक साल से पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग अस वी न्यू कि मिडल ऑर्डर इज स्लाइटली weak slash dodgy slash you know whatever the word yes, is whatever. अब ये लड़का बैठा है शोएब मलिक. अब मैं अगर कप्तान होता, मेरा एंड गोल क्या है? स्किपर जीतना. exactly how yes. to win the world cup. correct. अगर मुझे उसके लिए वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़े, मैं बना लूंगा. बिकॉज मेरा अपना उल्लू, मैं वर्ल्ड कप जीतने जा रहा हूँ. अगर मुझे शोएब मलिक चाहिए मिडल में, आई मेक श्योर टू द चेयरमैन एंड सेलेक्टर, अदरवाइज से आई एम नॉट कैप्टन साइड अनलेस आई गेट माई प्लेयर इन द मिडल ऑर्डर. बट ऐसा कोई है नहीं. So you think that Babar Azam didn't get the players that he wanted, he or did. Are you saying that he got the players that he wanted and that they weren't good enough? But he has to be थोड़ा उसको और अकलमंद होना पड़ेगा. अब ये वो मोहल्ले की टीमें नहीं है कि मेरा जानने वाला आ जाए या मेरा ये दोस्त अच्छा प्लेयर है सारे. आई एम जस्ट सेइंग जो मैं सुन रहा हूँ. अगर मैं होता, मैं इस लड़के को सबसे पहले मिडिल ऑर्डर में रखता. बिकॉज मैंने इस ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट शारजा, इट्स नॉट दुबई, इट्स नॉट पाकिस्तान की डेड विकटें. अब आपने देखा ना हमारे जिम्बाब्वे के, आपको वो बॉलर काबू नहीं थे आ रहे, जो मीडियम पेसर से थे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेंथ बॉल की है. हमने नए गेंद से फिर यॉर्कर. अब शाहीन को बॉलिंग कोच को बताना चाहिए था, शॉन टेट को, जो भी हमारा बॉलिंग कोच है, कि भैया ये पिच यॉर्कर वाली नहीं है, आपका रिदम नहीं है, आप आके लेंथ बॉल करें, वहाँ से अंदर लाएँ, वहाँ से बाहर निकालें. और लेंथ बॉल वो यू नो एक रिजवान ने खेली है उनके मीडियम पेसर की, वो एकदम ही उसकी तरफ आ गई है. सो दैट्स द पेस एंड बाउंस वी टॉक अबाउट ऑन ऑसी पिचेस. दैट इज ट्रू. टीम गोल होता है ना, एज अ बॉलिंग यूनिट भी यू कैन नॉट रियली गो आउट ऑफ द टीम स्ट्रेटजी या टीम गोल जो होता है उससे बाहर नहीं निकलते. कि अगर ठीक है, जब आपका स्विंग हो रहा था, आप ज़रूर करें जो आपकी स्ट्रेंथ है. बट देन अगर नहीं हो रहा, तो एज अ पैक व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑन दैट पिच. एंड आई थिंक एवरीवन जस्ट कहते हैं बिदक गए थे. इवन नसीम शाह, आई थॉट ही बॉल्ड पुअरली टू स्टार्ट ऑफ. ही इज पेस वाजंट देयर, व्हाटएवर आई नोटिस्ड, ही वाज जस्ट रनिंग इन एंड जस्ट बॉलिंग दिस. कम ऑन मैन, मैं कहता हूं कि इस पिच पे अगर आपकी पेस नहीं भी थी, वी स्टिल बॉलिंग 140 प्लस 140 142, बट ही वाजंट रियली हिटिंग द सरफेस. द पिच डिमांड्स के जी पीछे करो, बॉल बल्ले में नहीं आ रहा, इधर से इतना 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 फर्क
तरह का आ रहा है बॉल। करो जरा यहाँ से निकले, दूसरी टीम जरा बैकफुट में आए, पेस है तुम लोगों के पास, हम कोई जेंटल आ रहे हैं, जेंटल आके गेंद मार रहे हैं शुरू में पावर प्ले में हमें कल। लेकिन आप देखें जैसे ही हारिस रऊफ आया और वसीम जूनियर आया तो समझ ही नहीं आ रही थी उनके बैट्समैनों को, कोई उनके यहाँ लग रही थी। चार ओवरों में 12 रन हारिस को, और अगर आप वो रिप्लेस या वो दोबारा देखें बैट्समैन नीचे उतर गए थे जी, यानी इतना बाउंस और पेस था वहाँ पे उस पिच पे, और हमने उस पे पहले 2.5 ओवरों में 30 रन लगे हुए थे, जो कि एक ऐसा नुकसान हुआ जिससे जहाँ हमें होना चाहिए था हमने वो नहीं खेले, क्यों? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में तो वसीम भाई यही बात कर रहे थे अभी वक्फे में भी, हम कह रहे थे कि वहाँ के बाउंस को, वहाँ की कंडीशंस, आप ये ना समझे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन सेम है, बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। वहाँ पे अगर हम रन्स करके भी आए, ऑस्ट्रेलिया टोटली डिफरेंट है, वहाँ की पेस डिफरेंट है, वहाँ का बाउंस डिफरेंट है, तो वहाँ पे तो आपकी जो जितनी भी टीमें खेली हैं उन्होंने वही टीम खिलाई है, दो अगर प्रैक्टिस मैच है जो एग्जैक्टली उन्होंने वर्ल्ड कप में खिलानी थी, वो इसीलिए कि इनकी मैच प्रैक्टिस हो जाए, रिदम आ जाए और टीम एक उसकी समझ भी आ जाए हमें कम्बिनेशन की, कि हमने किस तरीके से बॉलिंग चेंजेस करनी है, किस तरीके से हमारा बैटिंग का रोल होगा। तो वहाँ पे जाके अगर हम उसको इजी ले के कोई वो बंदे जो कि मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने खेलना है वो ओपन कर रहे हैं वहाँ पे, तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप यू वांट के यार आपकी जो टीम खेलनी है जिन नंबर्स पे उसी तरीके से खेले। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जब आप बैठे रहेंगे कहेंगे कर लेंगे चीज़ें, एक्सेस बैगेज इकट्ठा होता जाता है, सडनली जब आप पे प्रेशर पड़ता है फिर वो चीज़ें आप उसको पुट इन द राइट ऑर्डर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो आपके पास पहला टाइम होता है, एक साल का टाइम था वर्ल्ड कप के बाद अगले वर्ल्ड कप तक, हमने ये सोचा कि ये बस ठीक है जी, हम तो सेमीफाइनल अनलकी रहे, हम लोग हार गए, अब कोई मसला नहीं है, अब हम अगले वर्ल्ड कप तक यही टीम है। नहीं, अगला वर्ल्ड कप आपका टोटली डिफरेंट कंडीशंस में, तो आपने उसको देखना है कि हमने अभी से तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करनी है। और पहले पॉइंट आउट किया हमने जिन चीज़ों को जो नज़र आ रही थी कि ये चीज़ें हमारी काम नहीं कर रही, जब हमारी कंडीशंस में नहीं काम कर रही तो हमने ऑस्ट्रेलिया जा के अंडर प्रेशर बड़े इवेंट में हम कैसे करेंगे, नहीं हुई, नाउ वी आर सफरिंग। देखो इंग्लैंड भी आया था ना 7 मैचों के लिए, उनका कप्तान आया, इंजर था, उन्होंने रिस्क नहीं लिया, नहीं खिलाया 7 मैच, बटलर यहीं रहा, ट्रेनिंग की, रिहैब किया, फिर मार्क वुड को उन्होंने कैसे कमबैक कराया, एक मैच खिलाया, दो में रेस्ट कराया, फिर एक खिलाया, फिर रेस्ट कराया। दिस इज़ हाउ यू प्लान इट, यू कांट जस्ट, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू प्ले एवरी गेम एंड स्टिल हैव द मोटिवेशन। आई सपोज 7 गेम ये थे, उससे पहले एशिया कप था, फिर ट्राई सीरीज थी, तब तक तो वही लड़के थे, 15-16-17 वही लड़के थे, वही पूल था जो चल रहा था। दे आर नॉट द एक्सट्रीम सुप्रीम फिट डूड्स। जॉश बटलर जो थे वो फिट थे लास्ट 2 T20s में, और उस वक्त तक डिसाइड नहीं हुआ था कि सीरीज कौन जीत रहा है, लेकिन दे हैड अ विजन, दे मेड अ प्लान, और वो स्टिक रहे अपने प्लान पे। और देखें हम लोग ना ICC रैंकिंग की बात करते हैं, हमारे अगेंस्ट इंग्लैंड की टीम आई है, एक मैच हैरी ब्रुक ने जिताया है, फिल सॉल्ट ने जितवाया, बेन डकेट वो तो नहीं है ICC की रैंकिंग में, लेकिन वो आए, एक एक बंदे ने आके एक एक मैच जितवाया, वो हो गए। बहुत अच्छी आपने चीज़ ये पॉइंट आउट की वकार, मैं ये सवाल करना चाहता था, वो हम बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं ICC रैंकिंग में, यूं है ICC रैंकिंग में, यू नो बेताज बादशाह हैं और ये तख्त उनका है और ये यूं उनका है वो उनका है, लेकिन जब हम टीम को ही नहीं जितवा सकते तो उन रैंकिंग्स का हमने क्या करना है? एग्जैक्टली, आई मीन स्पोक मैनी टाइम्स के जी, आप रैंकिंग, टीम की रैंकिंग शुड बी मैटर, नॉट द इंडिविजुअल रैंकिंग। हाँ, नंबर 1 नंबर 2 रहे हैं, दोनों रहे हैं ऊपर के हमारे दोनों ओपनर, कप्तान और रिजवान, लेकिन हम लोग जीते कुछ नहीं है, वी स्ट्रगल्ड व्हेन थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। स्पेशली जितने भी रन हैं अगर आप देखें ना किए हुए हैं, वो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में या वेस्ट इंडीज़ में भी हमारे जैसी कंडीशंस हैं, और इंग्लैंड में भी बॉल बाउंस नहीं करता है। आई थिंक प्रेपरेशन में, जैसे वसीम भाई ने कहा, इंग्लैंड अ वेरी गुड बैटिंग, प्रेपरेशन में प्रॉब्लम रही है, ये जो आइडिया ही नहीं था, समझ ही नहीं थी कि ये इस तरह की भी पिचें आएंगी और इस तरह में इसको डील करना पड़ेगा, वी डिडंट हैव अ क्लू, एंड नाउ इट्स शोइंग। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे वसीम ये कह रहे हैं कि 3 ओवर में 48 रन डिफेंड नहीं होते,
ठीक है, 39 गेंदों पे 43 रन 7 विकेटों के साथ पूरे नहीं होते जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो फिर हम किस डिपार्टमेंट में अच्छे हैं? वो ठीक कह रहे हैं, people are asking this question, I'm not, अब हम ये पूछ रहे हैं ना, डरने वाले डिपार्टमेंट में, मैं दो साल से धीमे अल्फाज में कह रहा था, ओपनली नहीं था कह रहा, बिकॉज आई नो हाउ माई कंट्री मैन थिंक एंड हाउ दे वर्क, रूड भी हो जाते हैं कि जी ये नंबर वन नंबर टू हैं बाबर, जब आप ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर खिलाओगे, मिडिल ऑर्डर्स को ओपन खिलाओगे तो प्रॉब्लम तो आनी आनी है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा पिछले डेढ़ साल से, बिकॉज ये दोनों स्कोर करी जा रही थी, और रैंकिंग के साथ मेरे ख्याल में ये भी आना चाहिए कि विनिंग में कितने परसेंटेज इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, विनिंग ऑफ द गेम, देन रैंकिंग मैटर्स, खाली स्कोर करने से रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो जब आपके दो ओपनर रैंकिंग में नंबर वन नंबर टू है, किसी की मजाल ही नहीं उनको छेड़ सके, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही थी कि बाबर आजम एक सेल्फिश क्रिकेटर है, जिसको लेकर बाबर आजम फैन क्लब पूरी तरह से वसीम अकरम के पीछे पड़ गया है, और वो ये तक बोल रहा है कि वसीम अकरम ने 99 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वो फिक्स किया, बांग्लादेश का मैच फिक्स किया, ये किया वो किया, अब आप समझ सकते हो क्या क्या बातें होती हैं। तो ये सब बातें हो क्यों नहीं है, रीज़न है जिम्बाब्वे से जब से मैच हारा है पाकिस्तान उसके बाद से ये सब बातें हो रही हैं। जिम्बाब्वे ने हालांकि वो मैच में बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेली और एक्सीलेंट क्रिकेट देखा गया जिम्बाब्वे की तरफ से, और स्टार्टिंग में तो जो चार ओवर थे वो जिम्बाब्वे ने जो जिस तरीके से बैटिंग की उसमें ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग तो पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं रहे, 180 रन तक पहुँचेंगे, हालाँकि फिर एकदम से विकेट गिरे और उसके बाद आपने देखा। अब जिस तरीके से यार रिजवान बाबर को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आप पिछले एक दो साल का फॉलो करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ये बात सच है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर साउथ अफ्रीका जाती है तो साउथ अफ्रीका की टीम में जो मेन प्लेयर हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर इंग्लैंड में जाती है तो इंग्लैंड में कोविड हो जाता है, इंग्लैंड की जो सी टीम है वो खेलती है, हालांकि इंग्लैंड वो सी टीम से हार गई थी पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज़ तो आप जानते हैं कैसा लेवल है, पाकिस्तान में जो टीम विजिट करती है तो उसमें अभी इंग्लैंड ही थी जो अच्छी टीम आई थी, लेकिन उसके भी जॉस बटलर वगैरह खेले नहीं थे। तो ये बात एकदम करेक्ट है कि पाकिस्तान की टीम ने जो क्रिकेट खेली है वो एकदम परफेक्ट जो 11 होती है उसके खिलाफ खेली नहीं है पिछले एक दो साल में, बट उसके बावजूद भी मैं ये बात बोलूँगा कि जैसा भी हो रन बनाए हैं रिजवान और बाबर ने, दोनों ही ने रन बनाए हैं, इनके अलावा किसी ने नहीं बनाए, इसलिए ये रैंकिंग में आप देख सकते हो कि ऊपर है, और जैसा भी है रन तो बनाए उन्होंने, खेला अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा खेली है, इतना ख़राब खेली नहीं है। 2019 का वर्ल्ड कप देखें, पाकिस्तान टॉप फोर में थी नेट रन रेट के हिसाब से, न्यूजीलैंड ऊपर आया था, नहीं तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती। उसके पहले देखें तो पाकिस्तान की टीम, हालांकि ये बात सच है कि पाकिस्तान में एक दो प्लेयर आके परफॉर्मेंस देके नीचे हो जाते हैं, कुछ लंबे समय बाद पाकिस्तान में ऐसा बाबर आजम जैसा प्लेयर आया कंसिस्टेंट जो रन बनाता है, रिजवान आया जो कंसिस्टेंट है, बाकी इनकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, फ़खर जमान ठुल्ला ही है, उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई यूनिस खान या यूसुफ योहाना या मलिक या मिसबाह उल हक जैसा कोई कॉम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर भी कोई ऐसा नहीं है कि अब्दुल रजाक हो या शाहिद अफरीदी हो, शाहिद अफरीदी भले जैसे भी थे लेकिन वो एक उनका बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग भी वो आके कोई ना कोई मैच ऐसा था जो पलटते थे कभी ना कभी, तो ऐसे कोई प्लेयर नहीं है, ये बात सच है, बॉलिंग अच्छी है पाकिस्तान की, बैट्समैन नहीं है बस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दो मैच हो गए पाकिस्तान के ख़राब, पाकिस्तान के अभी भी चांसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, पाकिस्तान की टीम अगर अपने पूरे मैच जीत जाती है और इंडिया अपने पूरे मैच जीत जाती है और जिम्बाब्वे अपना एक भी मैच हार जाती है तो आप समझे पाकिस्तान क्लियर एंड कट क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए। आप चेक करें मैंने जो कुछ बोला है, समझ रहे हैं आप, पाकिस्तान की टीम अपने पूरे मैच जीते पाकिस्तान के हो जाएंगे 6 पॉइंट। अभी की स्थिति में क्या है, बांग्लादेश एक भी मैच नहीं जीता है, जिम्बाब्वे 5 पॉइंट पर आ जाएगा अगर बांग्लादेश से जीतता है, और फिर जिम्बाब्वे को एक मैच और जीतना रहेगा जिससे कि क्या होगा सीन कि मैच फंस, आप कैलकुलेशन करिए, मैंने जो बोला है वो मैंने कहीं से पढ़कर बोला है, जो चल रहा है तो वो ही है, करेक्ट है। साउथ अफ्रीका अपने अभी दो मैच जीत चुका है, साउथ अफ्रीका का एक मैच हुआ था क्या, एक मैच हुआ था जिम्बाब्वे के साथ, रद्द हो गया था तो एक एक पॉइंट शेयर किया, सॉरी साउथ अफ्रीका भी अपना एक मैच जीता है बांग्लादेश बस से, साउथ अफ्रीका एक मैच और जीतेगा नीदरलैंड से, इतना तो कंफर्म है। अब साउथ अफ्रीका के दो मैच बड़े फंस रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका दोनों मैच हारता है तो साउथ अफ्रीका रुक जाएगा 5 पॉइंट पर रुक जाएगा, मैंने बताया आपको। उसके बाद होगा क्या कि नीचे जो मैचेस हैं, जिम्बाब्वे के अभी हैं 3 पॉइंट, जिम्बाब्वे अगर
बांग्लादेश से हारता है तो बांग्लादेश के दो जिम्बाब्वे के तीन, फिर जिम्बाब्वे का मैच किससे, नीदरलैंड से, इंडिया से, इंडिया से हारेगा लेकिन जो उससे जीत जाएगा, नीदरलैंड से जीत जाएगा, जिम्बाब्वे पाँच पर ख़त्म। पाकिस्तान तीनों मैच जीतता है तो क्लियर एंड कट सिक्स पॉइंट पहुंच रहा है। बांग्लादेश के साथ सीन ये है, बांग्लादेश का मैच अभी पाकिस्तान से, बांग्लादेश का मैच इंडिया से, उसके साथ बांग्लादेश का मैच जिम्बाब्वे से, तो बांग्लादेश इन तीनों से जीता है तो छः पॉइंट बांग्लादेश के भी सेमीफाइनल तक पहुँचने के हैं। बट ये पहुँचेंगे तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान बाहर होगा, तो ये ग्रुप ख़त्म नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास मैथमेटिकली इतना टफ नहीं है सेमीफाइनल में पहुंचना, आप माने ना माने, क्योंकि सिचुएशन क्लियर है। जिम्बाब्वे अगर पाकिस्तान को हरा सकती तो जिम्बाब्वे बांग्लादेश को भी हरा सकती है, बट इंडिया को हराना टफ होगा। पाकिस्तान को सबसे पहले लेकिन यही करना पड़ेगा कि जीते तो पूरे मैच कल क्लियर हो जाएगा। आपको क्या कहना है, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब।